आज की न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। पूरी दुनिया में जब भी इंडिया का जिक्र होता है तो तिरंगा आंखों के सामने आ जाता है। हमारा नेशनल फ्लैग हमारी पहचान है जो हर जगह हमें रिप्रेजेंट करता है। पर अपनी पहचान, अपनी आन, अपनी शान बान को जब मैं सड़कों पर गिरा देखता हूँ 15 अगस्त और 26 जनवरी के बाद, स्कूल्स ग्राउंड्स के बाहर जमीन पर पड़ा देखता हूँ तो दिल दुखता है, बुरा लगता है। एंड आई एम श्योर ये आपके साथ भी होता होगा। सो एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में होगा कि 15 अगस्त के बाद तिरंगे का क्या किया जाए। जवाब ढूंढने के लिए मैंने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पढ़ा और जब वो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये बात हर किसी को पता होनी चाहिए। नंबर वन, हमें इंडिया का फ्लैग फेंकना चाहिए भी नहीं एंड फेंक सकते भी नहीं है। उसको इज्जत के साथ संभालने की जिम्मेवारी हम सबकी है। अगर किसी कारण से फ्लैग खराब हो गया या गंदा हो गया, मतलब ऐसा कुछ भी हुआ जिसकी वजह से वो तिरंगे की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो उसको इधर उधर रखने की जगह आप फ्लैग को सम्मान के साथ प्राइवेटली चला सकते हैं। उसके लिए एक साफ सुथरी जगह पे आग लगा लें, फ्लैग को रूल्स के हिसाब से फोल्ड कर लें। याद रहे, फ्लैग को आग में फेंकना नहीं है, फोल्डेड फ्लैग को इज्जत के साथ आग में रखना है। जब तक फ्लैग पूरी तरह जल ना जाए आप शांति से वहां खड़े रहें। हाँ, अगर किसी कारण से जलाना पॉसिबल ना हो तो आप उस केस में फ्लैग को दफना भी सकते हैं। उस केस में भी एक साफ सुथरी जगह पे फ्लैग्स को रूल्स के हिसाब से फोल्ड करके एक बायोडिग्रेडेबल बॉक्स में रख सकते हैं और गरिमा के साथ उसको प्राइवेटली दफना सकते हैं। सो हर एरिया में कोई एक ग्रुप या अकेला इंसान जिम्मेवारी ले ले कि डैमेज फ्लैग्स को इकट्ठा करके इज्जत के साथ डिस्पोज कर दिया जाए, तो इस साल से हमारे देश का सम्मान सड़कों पे नहीं पड़ा होगा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ अलविदा लेता हूँ, और आगे भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की न्यूज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।